अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा, एससी एसटी एक्ट और दूसरे कई मामलों में सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कंप्यूटर बाबा को 151 धारा के मामले में जमानत देने और दूसरे मामलों की सुनवाई 16 नवंबर को ही जिला कोर्ट में करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एसडीएम कोर्ट से आदेश दिए हैं कि 5.5 लाख की बैंक गारंटी पर कंप्यूटर बाबा को जमानत दी जाए और अगर वो बैंक गारंटी जमा नहीं कर पाते हैं तो जेल के अधीक्षक के नाम 50,000 का बॉन्ड देने पर उन्हें रिहा किया जाए। याचिका प्रस्तुत की गई माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति से रिक्वेस्ट किया गया कि इसकी सुनवाई त्वरित रूप से की जाए क्योंकि यह पर्सनल लिबर्टी का मामला है। इसकी सुनवाई आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई और माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार करके ये आदेशित किया कि धारा 151 के प्रकरण में जिसमें व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर रिहा किया जाना चाहिए और यदि उसे 24 घंटे के बाद निरोध में रखना है तो इस संबंध में पृथक से आदेश पारित किया जाना, लेकिन तो ऐसा नहीं किया गया, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें तुरंत रिहा किया।